Hey guys, hope all of you are doing great. Today guys, we are going to do heredity and evolution ka page number 159 ka question number 8, 9 and 10. Okay, so guys, this we have been doing since 2020. This NCRT series, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे NCRT में, वी आर सॉल्विंग देम. ठीक है गाइज, तो ऑल द चैप्टर्स का क्वेश्चन हैव बीन पुट अप, तो प्लीज डू इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट. दिस इज आई गेस सीरीज सेशन नंबर 12. आज हम 8, 9 और 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे. इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इफ यू हैव नॉट सीन देम, गो एंड वॉच. तो दिस इज समर सिंह सेइंग वेरी वेरी एक्साइटेड टू लर्न बायोलॉजी, यू आर अ सुपर्ब टीचर, ईस्ट वेल अंतुस वेल, थैंक यू फॉर द समर. मुकेश सोनी से सर मैं आपके सेशन में हंसी गई. ओके, थैंक यू मुकेश सोनी, ग्रेट. तो गाइज, वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, है ना. इफ यू आर इन 2022 बैच गाइज, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके, तो डू ज्वाइन इन. ओके, ग्रेट, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, यस, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या है, क्या कह रहा है. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल इन डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब फॉसिल हमें कैसे हेल्प करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करने में. तो पहले तो फॉसिल होता क्या है मुझे बताओ. फॉसिल क्या होता है बेटा, इट इज रेमेनेंट, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब मान लो किसी एनिमल का बोन्स रह गया, आपने देखा होगा ना जुरासिक पार्क में एनिमल के बोन्स रह जाते हैं, है, दैट इज अ फॉसिल. या फिर कोई प्लांट रह जाता है, प्लांट का कोई पार्ट रह जाता है, प्लांट के गम के अंदर कोई सीड रह गया, ठीक है. तो रिमेन्स ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फॉसिल. इसके अलावा भी गाइस, इंप्रेशन ऑफ हार्ड पार्ट, मतलब मान लो एक डायनासोर था, उसका मुंह का आधा फेस छपा हुआ है एक हार्ड से रॉक में, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फॉसिल. अब ये हमें कैसे हेल्प करता है एवोल्यूशन रिलेशनशिप में बेटा, बताओ, हाउ डज इट हेल्प अस. यस बेटा, इट टेल्स द एवोल्यूशन. देखो अब फॉसिल्स, मानो ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ये अर्थ का डीप है, ठीक है. द फॉसिल्स विच आर फाउंड एट डीपर लेवल मीन्स दे आर ओल्ड, द फॉसिल्स विच आर फाउंड एट द हायर लेवल दैट मीन्स दे आर यंगर एज कंपेयर टू द फॉसिल्स विच आर फाउंड यहां पे. इधर जो नीचे फाइंड होते हैं उनसे ये क्या है गाइज, ये यंग है, ठीक है, ये पता चला हमें. दूसरा, देर आर सम, यस गाइज, रिलेशनशिप, मतलब मान लो ऑर्गन्स में सिमिलैरिटीज है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा फॉसिल है कॉल्ड एज आर्कियोप्टेरिक्स. इसमें गाइज ये पिजन की शेप का था, पिजन की साइज का था, इट हैड विंग्स ऑफ बर्ड एंड माउथ ऑफ अ रेप्टाइल, माउथ एंड टेल ऑफ रेप्टाइल, कैन इमेजिन. तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड द बर्ड्स, समझ रहे हो. तो ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एवोल्यूशन प्रोसेस, मतलब हु हैज इवॉल्व फ्रॉम हुम, ये बताता है, ठीक है, वेरी गुड. देखो, फॉसिल्स प्रोवाइड यस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट. मान लो कोई फॉसिल अगर नॉर्थ पोल पे पाया गया, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म नॉर्थ पोल पे रहता था. मान लो कोई फॉसिल इक्वेटर के पास पाया गया, इसका मतलब ये यहां पे रहता था, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी बताता है ना. देन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये बताता है कि कौन सी स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी और अभी नहीं है, ठीक. इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया था आर्कियोप्टेरिक्स इज अ लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स, है ना. इट्स अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स, है ना. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट, स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिजाइन फ्रॉम सिंपल. मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल फिश, हम कहते हैं फिश से क्या हुआ, एम्फीबियंस आए, और एम्फीबियंस से क्या आए, रेप्टाइल्स, ठीक है, और ऐसे एवोल्यूशन प्रोसेस कैरी हुआ, ठीक है. तो हमें कैसे पता चला, ये सिंपल बॉडी थी, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी हुई, फिर और कॉम्प्लेक्स बॉडी हुई, ठीक है. तो ये सब चीजों में हमें फॉसिल हेल्प करता है, इज इट अमेजिंग, है ना गाइज, ग्रेट. किस चीज में हेल्प करता है, हमें स्ट्रक्चर और हैबिटेट बताता है, हमें बताता है कि लिंक बिटवीन द एवोल्यूशनरी सिस्टम, है ना. इट टेल्स अस कि कैसे एक सिंपल बॉडी से कॉम्प्लेक्स बॉडी बनी है फॉसिल, ठीक है, ये सब चीजें बताता है, और बताता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे, है ना, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पेज नंबर 159 गाइस, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर. आपको सर इनएनिमेट मैटर क्या बेटा, इनएनिमेट मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर होता है, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग. अब कहोगे कैसे बेटा, देखो एक थ्योरी है कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ, यस गाइस, केमिकल एवोल्यूशन,
थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ये क्या कहता है, जो लाइफ है अर्थ पे वो केमिकल्स की रिएक्शंस की वजह से स्टार्ट हुई। वाह, मतलब जो मैं हूं, मैं क्या हूं, बैक ऑफ केमिकल्स, आप लोग क्या हो, बैक ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, अर्थ वॉज लाइक अ केमिकल रिएक्शन वाला प्लेस, मतलब केमिस्ट्री लैब होती है ना, उसी तरह हमारा अर्थ एक केमिस्ट्री का लैब था जहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन से गलती से क्या हो गया, एक फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, समझ रहे हो। पहले मान लो एक कार्बोहाइड्रेट टाइप स्ट्रक्चर बना, फिर प्रोटीन, हम लोग किस चीज के बने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, इन चीजें के बने हैं। तो हुआ क्या, अर्थ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे थे तो एक डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बन गया, डीएनए बन गया तो उससे एक सेल बना पहला, फिर सेल बना तो उससे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब थोड़ा सिंपल ऑर्गेनिज्म बना, फिर ऐसे ऐसे होते होते केमिकल से, मतलब समझ पा रहे हो ना, मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मतलब केमिकल से, हम लोग केमिकल से, केमिकल के बीच रिएक्शन होता है, एक जल्दी से मतलब प्रोटीन बन गया, फिर कार्बोहाइड्रेट बन गया, और स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ये ऐसे डेवलप होता चला गया, ठीक है। ये हमें अब ये पूछ रहे हैं कि ये इसका एविडेंस क्या है, बट इसका एविडेंस हमें एक साइंटिस्ट थे, यूरे एंड मिलर, ठीक है, यूरे एंड मिलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। आपको इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा बताऊं, देखो बेटा इन्होंने क्या करा, इन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, मतलब ये मान लो एक बड़ा सा अर्थ की तरह बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या डाला बेटा, मीथेन डाला, अमोनिया डाला, हाइड्रोजन डाला, और क्या था यहाँ पे, यस, वाटर। तो बेटा अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ पे बिलीव करते बस ये चार गैस चीजें थी, जब मतलब अर्थ पे लाइफ भी नहीं था तो ये सब चीजें थी। तो क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रिक सीट डाली बहुत सारी, तो क्या हुआ बेटा, ये रिएक्ट करने लगे। जब ये रिएक्ट करने लगे फिर इनके प्रोडक्ट्स बनने लगे, जब केमिकल एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट बनता है, तो इन्होंने जब प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करा तो इन्हें मिला कार्बोहाइड्रेट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें मिला प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें मिला आरएनए लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें मिला डीएनए लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ पे पहले जब अर्थ था, जब लाइफ नहीं थी, तो वहां पे इतनी थंडर और लाइटनिंग हो रही थी और अर्थ वॉज वेरी हॉट, तो उसकी वजह से दीज थिंग्स स्टार्टेड रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, तो ये बायो मॉलिक्यूल्स फिर आपस में भी रिएक्ट करते हैं, गाइस एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये इन्होंने बस एक छोटे से बॉटल में करा। आप क्या इमेजिन कर सकते हो, अर्थ कितना बड़ा है, एक छोटा सा स्टेट ही इतना बड़ा, इंडिया हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, आप आधे लोग बच्चे तो अपने स्टेट से बाहर नहीं निकलोगे, अपने शहर से बाहर नहीं निकलोगे, ऊपर वर्ल्ड की बात करो मैं, ठीक है। तो ये हुआ है, यस, है ना, दे पास्ट हाई। तो यार यूरे और मिलर ने क्या करा, है ना, प्रूव दैट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाई, यस गाइस, बाई रिएक्शन बिटवीन दीज प्रिमिटिव गैसेस, मतलब ये इतना ज्यादा डीप, मतलब आप ये देखो, मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, वेर फॉर्म्ड बाई, यस गाइस, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, दे पास हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स टू स्टिमुलेट द लाइटनिंग ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव मतलब अर्थ, मतलब पुराना वाला अर्थ, वहां पे ये सब गैसेस थी। एट द एंड दे फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड which and protein which make animate object, मतलब inanimate gases से, जैसे कि कार्बन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर से, they made animate, मतलब जो वो वाले molecule जो living organisms में होते हैं। तो this helped them to prove that life originated from मतलब non-living substances। Can you imagine, कभी आपने सुना था, ये बहुत ही amazing है guys, आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, बहुत मजा आएगा। Next question number 10, explain how sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms reproducing sexually? Yes. Yes, guys. ये कह रहा है कि how sexual reproduction gives more viable, मतलब viable मतलब जो आगे जिंदा रह सके, आप pass on कर सके अपने characters, than asexual reproduction. कैसे बेटा बताओ? बेटा sexual reproduction involves फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशन। और वेरिएशन क्या करता है, हेल्प्स एन ऑर्गेनिजम्स टू अडैप्ट बेटर टू एनवायरमेंट, समझे। मतलब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
एक मेल मेल से एक सेल आता है, फीमेल से एक सेल, दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना, ये इसमें क्या होती है, वेरिएशंस होती है, इसमें क्या होती है, वेरिएशंस होती है। ये वेरिएशन हमारे उसको हेल्प करती है टू अडैप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसको अडैप्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, देयर इज नो वेरिएशन और वेरी लेस वेरिएशन, दे आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट, है ना। यस, एंड दिस अडैप्टेशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, and the surviving organism passes on their characters to the next generation. Whereas जो organism survive नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, they cannot pass their character to the next generation. That is why the good characters are passed on, the characters which are able to survive are passed on to the next generation and they eventually lead to evolution. देखो, the offspring inherits genes from their parents in case of sexual reproduction. है ना बेटा, very good. In case of sexual reproduction, ये वाला हटा दो, there is a selection of genes from random males and females bringing various traits together. This random mating generates variation leading to better adaptation of the environment among the organisms. मतलब क्या होता है, जो sexual reproduction होता है उससे variation होता है, variation से क्या होता है, देखो बस मैं आपको easily समझाता हूँ, variation आते हैं sexual reproduction से, variation से क्या होता है, organism adapt कर सकता है better, adapt करेगा environment को, adapt करेगा तो survive करेगा, सर्वाइव करेगा तो ये पास करेगा कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, समझ पा रहे हो, यस गाइस, इट्स अमेजिंग, है ना। और पास करेगा तो ये वाले कैरेक्टर सर्वाइव करेंगे एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इट विल लीड टू एवोल्यूशन, है ना। यस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइस, या तो गाइस, वेदांतों का प्रो कोर्स आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, डू चेक आउट देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, it will substitute for your tuitions, it is amazing guys, do check out, many of your thousands of students have already joined, do not miss out on opportunity, do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel guys, and you can follow me on Instagram, my Instagram ID is amrit_rj, and you can write to me on amrit.raj@vedantu.com, keep smiling guys, I'll see you in the next session, bye bye, have a great day.